है, टांग आपकी ये नहीं है, तो क्या क्या हुआ? ये जी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उस पर टांग चली गई आपकी। ठंडी है और इस तरह से इससे चलना करते हैं, और इनकी पाँव भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, यानी कि पाँव इनका एक पाँव नहीं होने के माजूर हैं ये। माजूर होने के बावजूद इतनी जो है मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये सूखी रोटी है, सूखी रोटी है और ये प्याज के साथ खाते हैं। भाई क्या करें ना, मजबूर जो है मजबूर हैं, और अभी खाना घर जाके खाएंगे। तो बाबा ये छोटी छोटी सी मदद है मेरे पास से ना, अभी आज खाना हमारी तरफ से खाना आप, ठीक है? अभी बच्चों के वास्ते बस रिज़्क बनाते, वो कुछ नहीं कर, जो भीख मांगते हैं वो हमारा दाढ़ी से पेट है, भीख मांगने से अच्छा नहीं है। झाड़ू बनाते जो कोई देखते है नहीं देखते, अल्लाह है। 500 कभी 300 कभी भी एक भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी है, आसमानी रिज़्क है। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़की है, एक लड़का है। 5 लड़की एक लड़का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या लेके चलो, उम्मीद करता हूँ तो खैरियत होंगी। अच्छा दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज हम एक और स्टोरी पे आए हैं, और यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो कि यहाँ पे झाड़ू सेल आउट करते हैं, झाड़ू बेचते हैं और अपने घर का जो है घर का गुजारा करते हैं। तो आए मालूम करते हैं, तो यहाँ पे जो है मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है सब, मज़े में? बिल्कुल मज़े में। अच्छा बाबा जी, कितने टाइम से आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी मैं रमजान से बाद आया, इस रमजान के बाद। हाँ सही है। अभी बच्चों के वास्ते बस रिज़्क बनाते हैं, वो कुछ नहीं करते। रिज़्क बनाते हैं, जो भीख मांगते हैं वो हमारा दाढ़ी से देते हैं, और भीख मांगने से अच्छा नहीं है। भीख मांगना अच्छा नहीं है, मेहनत करना सही है। ये झाड़ू बनाते जो कोई देखते है नहीं देखते, अल्लाह है। सही है। झाड़ू खुद बनाते हैं? नहीं, बाजार से लाते। बाजार से लाते हो? बाजार से लाते हैं। ये झाड़ू सारे रखे हुए आप देख सकते हैं, ये झाड़ू सारे बाजार से लाते हैं। ये झाड़ू यहाँ पे सारे रखी, और यहाँ पे देख सकते हैं ये झोपड़ा इनका किस तरह से बना हुआ है, इन्होंने पूरी सेटिंग बनाई हुई इस तरह से। यहाँ पे ये चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं, मार्केट से झाड़ू लाते हैं और यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। और बारिश भी है, आप देख सकते हैं इन्होंने बारिश में किस तरह से ये बनाया हुआ है, और ये यहाँ पे बेच रहे होते हैं झाड़ू। तो यहीं रहते हैं आप? नहीं। अच्छा, आलमगीर में। अच्छा, ये कराची में रहते हैं या नहीं? मुल्क भी, बच्चे मुल्क भी है। कौन से मुल्क? पेशावर से आगे। पेशावर से आगे, वहाँ से आए? वहाँ से आगे, वहाँ से आए। मैं पाकिस्तानी हूँ, अफगानिस्तान वाला नहीं। नहीं, पाकिस्तान से पेशावर से आए हैं कराची में। सही, आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत कर रहे हो, और यहाँ पे झाड़ू सेल आउट कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, कुछ बचत हो जाती है? अरे कभी 500 कभी 300 कभी भी एक भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी है, आसमानी रिज़्क है। सही। कभी 800 कभी 500 होएगा, कभी 300 होएगा, कभी 200 होएगा, कभी 300 होएगा। किसी किसी टाइम हुआ जो बिल्कुल खर्चा भी नहीं। अच्छा, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक टांग आपकी ये नहीं है, तो क्या क्या हुआ? ये जी एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो उस पर टांग चली गई आपकी। देख सकते हैं दोस्तों, इनकी एक टांग थी और वो चली गई है, उसके बावजूद देख सकते हैं ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर से आके यहाँ पे इस तरह झाड़ू यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं और अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत हिम्मत की बात है, बाबा जी इस तरह से हिम्मत करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम सबको इसे सबक सीखना चाहिए कि उम्र और कुछ भी हो जाए इंसान, कि मेहनत करना अगर ना छोड़े तो कहाँ क्या से क्या नहीं कर सकता। तो यही एक मिसाल बाबा जी की है जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। बाबा जी, ये दोपहर में खाना पीना किस तरह से गुजारा करते हैं? अरे दोपहर का ये रोटी, घर से रोटी खाते हैं, जो कुछ नहीं। आपको मैं ये दिखाऊं, ये देख सकते हैं बाबा जी के पास ये सूखी रोटी है, सूखी रोटी है और ये प्याज के साथ खाते हैं। भाई क्या करें ना, मजबूर। और रोटी आप देख रहे कितनी सख्त हो रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रोटी तो बहुत सख्त हो रही है, और यही खाएंगे खाते हैं। कल का रोटी है। अच्छा, इनका बिल्कुल इरादा नहीं है कि भीख मांगना अगर ये ऐसा होता
तो ये इस तरह से यहाँ पे झोपड़ा बना के झाड़ू इस तरह से अलाउड नहीं करते। इनका कहना है कि मेहनत करके खाना चाहिए, ये नहीं कि किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए। तो ये बिल्कुल अपनी मेहनत करके यहाँ पे खा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। बाबा अभी कुछ खाने को दूं? खाएंगे खाना? दूं खाने को दूध? खाना खाना दूं खाने को? खाना खाएंगे अभी? हाँ यार अभी मैं खाना ला के दे दूं आपको? अभी पैसा देना, हमें ये शुगर उठी खाते हैं, फिर जाते हैं घर पे खाओगे? अच्छा, सुबह किस टाइम आ जाते हैं यहाँ पे? मैं 7-8 बजे। 7-8 बजे और जाते कब हैं? 5 बजे जाते। 5 बजे जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़की है, 1 लड़का है। 5 लड़की 1 लड़का है। तो कहाँ है अभी? कराची में? गांव में? मेरे गांव में। सब गांव में? हाँ सही सही। अच्छा दोस्तों, देख सकते हैं आपके इनके क्या हालात हैं और किस तरह से अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। ये इनकी जो है अपना डंडी है और इस तरह से इससे चलना करते हैं। और इनकी पाँव भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, यानी कि पाँव इनका एक पाँव नहीं होने के माजूर हैं। ये माजूर होने के बावजूद इतनी जो है मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि इस तरह से करने का, लेकिन ये बहुत जो है मजबूर हैं और अभी खाना घर जाके खाएंगे। तो बाबा ये छोटी छोटी सी मदद है मेरे पास से ना, अभी आज खाना हमारी तरफ से खाना आप, ठीक है? ये लेके घर में। अच्छा ये मोबाइल में, अगले मोबाइल में चले। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। बाकी ये आज का खाना हमारी तरफ से आप खाएं, सही है? चलें शुक्रिया आपका। अच्छा दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक अच्छा मैसेज देने की मैंने कोशिश की और एक ज़रूरतमंद की चीज़ें जो ज़रूरतमंद है, जो बाबा जी है, बाबा जी की स्टोरी आपसे मैंने शेयर की, तो हमें भी एहसास करना चाहिए। और कोई भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जो इनकी ज़्यादा मदद कर सकता है इनकी मदद करें और इनके हालात बेहतर हैं, ये दुआ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर आपसे मिलूंगा। हबीब साहब यूट्यूब चैनल, अल्लाह हाफिज़।